cabin crew, arm doors and cross checks. We are a Canadian Road Tracker Vlogger Realtor here. सुबह के 1:40 मिसिसागा टोरंटो। कभी कभी वीडियो कभी बनाने का भी एक खुमार होता है। अच्छा चले, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी कि विजिट वीजा वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट होता है और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको LMIA कैसे मिलेगा। तो मैंने पूरा LMIA का जो प्रोसेस है, मेरे क्लास फेलो थे, हम लोगों ने इकट्ठा ही कोर्स किया था, मिस्टर दीक्षित दावर, नाउ ही इज RCIC है, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टर जिसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि यार भाजी मैनू दसो, दीक्षित भाजी कुछ ना कुछ तो दसो। तो एनी हाउ सो आई टॉक टू हिम इन डिटेल, मैं आगे वो उसकी वीडियो लगाऊंगा। ही इज आउट ऑफ टाउन एट दिस मोमेंट। मैंने कहा नहीं, मैं स्काइप है या जूम भी नहीं, मैं व्हाट्सएप पे ही कर लूंगा। इससे पहले मैंने एक सेलफोन का इंटरव्यू लिया पुर्तगाल में, एक हमारे जानने वाले ही हैं, फैमिली फ्रेंड थे जिनके पास मैं गया भी था सेलफोन के कैसे दुकान खोली जाती। तो सेम टोकन, विजिट वीजा टू LMIA, विजिट वीजा टू वर्क परमिट एंड विजिट वीजा टू PR। तो पूरा प्रोसेस जो है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और उसमें जो बातें की हैं दीक्षित ने उसको नोट कीजिएगा। एंड ही हैज अ वेरी सक्सेसफुल रेट, वेरी। अभी आज ही मैं बात कर रहा था, मैं इतने केसेस नहीं बता पाऊंगा जिसमें स्पॉन्सरशिप भी है, विजिट वीजा भी है, LMIA भी है और ही इज अ वेरी मच स्पेशलाइज्ड इन स्टडी परमिट। तो मेरी हर वीडियो के अंदर उसका एक डिस्क्रिप्शन पे नीचे है, तो मुझे इसके लिए आप मैसेज ना कीजिएगा कि दीक्षित दावर का नंबर दे दे हमें, तो मेरी हर वीडियो में नीचे जो है ना मैंने दिया हुआ है। He's like my family friend and we are very much together for a lot of things. But anyhow, तो चलें वीर आप आगे उस क्या नाम है ये फोन व्हाट्सएप के ऊपर मैंने सारा उसका रिकॉर्ड किया था, तो you will get the lot of information. Thank you very much. आगे की वीडियो देखिए। हाँ तो चलो भाई, क्या नाम है दीक्षित, शुरू हो जाए, दोनों केसेस के बारे में बताओ। So, जिसके पास तो सर विजिट वीजा है, अब अगर तो देखो बेसिकली उसका विजिट वीजा ऑलरेडी है वहां पे आके, अगर उसे जॉब मिलती है, अगर उसे कोई जॉब ऑफर हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा जॉब ऑफर लेके, बेसिकली जो जॉब ऑफर होगी इट हैज टू बी विद LMIA। जो नॉर्मल जॉब ऑफर, एक जॉब ऑफर डॉक्यूमेंट काम नहीं करेगा, उसके नाम पे LMIA अप्रूव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उसे कोई जॉब ऑफर हुई है, इज अ टेम्परेरी रेजिडेंट इन कैनेडा, वो टेम्परेरी है, वो वर्क नहीं कर सकता। अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा है जिसने उसे हायर कर लिया या उसे कोई जॉब ऑफर हो गई है, तो पहला काम जो है वो एम्प्लॉयर उसकी LMIA अप्रूव करा के देगा, अप्रूव कराएगा कि वो वर्क कर सके। जब LMIA अप्रूव हो जाएगी उसके बाद वो पर्सन डॉक्यूमेंट्स लेके अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स, जो उसके क्रेडेंशियल्स होंगे, एक्सपीरियंस या जो भी उसका बेसिकली एजुकेशन बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है जिस बेसिस पे वो टूरिस्ट वीजा लगा है, या टूरिस्ट हो सकता है 10 साल पहले लगा हो, 4 साल पहले लगा हो, 4 साल में जो भी उसके क्रेडेंशियल्स हैं अलॉन्ग विद LMIA, अगर वो बॉर्डर पे जाता है कि मुझे वर्क परमिट चाहिए, तो बेसिकली ऑफिसर उसी टाइम इमीजिएटली उसे इवेल्यूएट करके उसके हाथ में वर्क परमिट पकड़ा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन थिंग इज द जॉब शुड बी जेन्युइन, LMIA शुड बी अप्रूव्ड, डॉक्यूमेंट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी जेन्युइन, जो वो वेरीफाई कर सके वो वेरीफाई कर लेगा आपको इमीडिएटली विद इन लाइक 10-20 मिनट्स, हिल ऑफर यू अ वर्क परमिट एंड यू आर ऑथराइज्ड टू वर्क देयर। अच्छा मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक आदमी विजिट वीजे, चले आपने विजिट वीजे से शुरू किया है, एक आदमी विजिट वीजे पे वहां पर, तो पहली बात तो ये, एक तो ये है ना कि उसके नाम पे LMIA निकला हो, एक होता है कि अप्रूव्ड LMIA है, या वो जो कंसल्टेंट जो वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास LMIA हैं या हम आपको जॉब दिला देंगे, तो सारे हम LMIA दिला देंगे, तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है? देखो एक तो बेसिकली अगर मैं जनरली बात करूं, जनरल जॉब ऑफर है तो अगर तो लेट्स से दो तरह की सर LMIA होती है, एक प्री अप्रूव्ड LMIA होती है जो नो नेम होती है, मीन बेसिकली उस पे नेम नहीं दिया होता। सेकंड होती है LMIA जो बेसिकली आपने क्लाइंट हायर किया, अब वो क्लाइंट काम नहीं कर सकता क्योंकि वो टूरिस्ट वीजा पे है, इसके लिए उसके लिए LMIA जनरेट की जाती है। सो अगर प्री अप्रूव्ड LMIA है, जब भी आप LMIA ऑफिसर के पास लेके जाएंगे वो आपके नाम पे होगी। अगर कोई भी प्री अप्रूव्ड LMIA है, LMIA इज वैलिड फॉर 18 मंथ्स, आपको आप उस ऑब्वियसली उस LMIA पे एम्प्लॉयर आपका नेम
इशू कराएगा कि ये LMA जो मैंने अप्रूव करवा रखी है पहले प्री अप्रूव्ड है, खालिद उस्मानी को जी ने से आपको हायर किया गया, सो LMA पे पहले आपका नाम आएगा, देन ओनली यू कैन गो फॉर अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट विद प्री अप्रूव्ड LMA इज बेसिकली उसका उसका मोटिव क्या होता है कि एम्प्लॉयर को एक पर्सन चाहिए था जो उसके नहीं मिला, तो उसने क्या किया अभी तक प्री अप्रूव्ड LMA करते जब भी मुझे मिलेगा ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मुझे दोबारा से एफर्ट ना करनी पड़े। अभी तक मुझे कोई भी ढंग का क्लाइंट नहीं मिला, कोई अच्छा क्लाइंट नहीं मिला जो वो चाहता है, लेकिन जब भी उसे मिले इन फ्यूचर इन नियर फ्यूचर उसे इमीडिएटली हायर कर पाए। सो ये मीनिंग होता है प्री-अप्रूव्ड LMA का। नो, तो उस LMIA में फिर नाम चेंज होगा या फिर वही LMIA लेके प्री-अप्रूव्ड LMA पे अगर आपने 10 नेम्स कराने से 10% के LMA उसके अंदर 10 वर्कर हायर करने हैं, 10 वर्कर्स तक जो नेम है इमीडिएटली अप्रूव हो जाते हैं, आप फोन करके भी करवा सकते हो। IRCTC को हम कॉल करेंगे, LMA नंबर देंगे कि इस LMA पे मिस्टर खालिद उस्मानी जी का नाम दे दिया जाए कि मैंने उन्हें हायर किया है, और मिस्टर XYZ जो भी पर्सन है सो उनका नाम आ जाएगा, देन यू कैन आपके नाम पे LMA होगी, देन यू कैन टेक दैट LMA टू एन ऑफिसर और ऑनलाइन जैसे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं यू विल बी थ्रू। थोड़ा सा ये एडवांस क्वेश्चन है, मुझे इस पे अभी करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। जब वो वर्क पर ये फ्लैग पोस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है जो बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, फ्लैग पोस्ट होता है जो भी है, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए किसी एम्प्लॉय को, कोई ये कंसल्टेंट जो उसकी तैयारी करवाता है? सिंपल है सर, अगर सब कुछ टू बी ऑनेस्ट इमिग्रेशन लाइन में आपने भी सुना है मैंने भी सुना है काफी चीजें होती हैं, इफ एवरीथिंग इज जेन्युइन, अगर पर्सन जेन्युइन है, अगर लेट्स से एक पर्सन है अकाउंटेंट है पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी XYZ कंट्री से, लेट्स नॉट अबाउट कंट्री, कोई भी कंट्री अगर वो अकाउंटेंट है, अगर उसे बुक कीपर की लेट्स से रेलिवेंट जॉब ऑफर हुई है, रेलिवेंट LMA है, आई डोंट थिंक सो उसे कोई इंटरव्यू की जरूरत है। नहीं नहीं, इंटरव्यू फिर भी वहां पर वीजा ऑफिसर कुछ तो पूछेगा ना, माफ कर रहा हूं मैं हमारी बात, ये कोई ऐसी इंटरव्यू नहीं है कि जो MNC क्रैक करने जा रहे हैं, IIMs की इंटरव्यू है या आप कह लें कि मेरा IES का इंटरव्यू है या कोई और सर्विसेज का गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू है, कोई जॉब ये ऐसा इंटरव्यू नहीं है। तो ऑफिसर को सिर्फ ये ऑफिसर आपको हायर नहीं कर रहा, ऑफिसर की ड्यूटी है आपको वर्क परमिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप जेन्युइन वर्कर हैं या जो भी जॉब है आप वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका ये रेलिवेंट नहीं है कि आपको वो आपको पसंद नहीं आया, लेट्स से वो कह रहा है ऑफिसर कह रहा है नहीं ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है, नो उसका कोई ये रोल नहीं है। ऑफिसर का पर्पस है कि जो आपको जॉब ऑफर दी गई है आपके विद एक्सपीरियंस आपकी विद एजुकेशन क्या आप लायबल है उसको करने के लिए, क्या इज इट अ जेन्युइन जॉब ऑफर, और कई बार एम्प्लॉयर आपके साथ होता है इंटरव्यू में, दे कैन गो अलोंग विद यू, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट द कंसल्टेंट, कंसल्टेंट साथ जाता है? कंसल्टेंट भी जा सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है, RCAC कैन गो अलोंग विद। अच्छा, सो जो ये इंटरव्यू है ये इंटरव्यू आपके जॉब स्पेसिफिक नहीं है, जैसे मैं जॉब स्पेसिफिक की बात करूं, कोई भी जॉब है XYZ कैटेगरी की तो वो जॉब स्पेसिफिक इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू सिर्फ ये है कि आपको ये जॉब कैसी मिली, आप क्यों करना चाहते हैं जॉब, बेसिकली कौन एम्प्लॉयर है एंड क्या आपका एक्सपीरियंस है, प्लस एक्सपीरियंस कैसे मैं वैलिडेट करूं, सिर्फ उसको ये है, उसको ये लेना देना नहीं है कि आप ये जॉब कर पाएंगे, बेसिकली उसको सिर्फ बैकग्राउंड चेक करना है और करंटली जो जॉब ऑफर हुई है वो रेलिवेंट में है या नहीं है। अच्छा, ट्रक ड्राइवर की है, ट्रक ड्राइवर की जॉब, सो बेसिकली उसका मेन पर्पस है उसका एक डेढ़ साल का एक्सपीरियंस हो अगर प्लस अगर उस पर ट्रकिंग लाइसेंस है तो ऑब्वियसली वो LMA अप्रूव कर, LMA वर्क LMA अप्रूव भी होगी, वर्क परमिट अप्रूव कर देगा, नॉट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है तुम अगर ट्रक ड्राइवर के बारे में कह रहे हैं तो उसको जाके पहले अगर विजिट वीजे पे तो ट्रक का लाइसेंस कैनेडा से लेना होगा? जी डेफिनेटली लेना होगा सर, ट्रक ड्राइवर के केस में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मिला है हम ट्रक ड्राइवर का, अगर ट्रक ड्राइवर के केस में बात करूं उसे डेफिनेटली लाइसेंस लेना होगा, बिना लाइसेंस के वो अप्रूव नहीं करेगा, कैसे अप्रूव करेगा वर्क परमिट अगर आप कर ही नहीं सकते तो आपका टाइम वेस्ट है, क्योंकि हो सकता है आपको 6 महीने ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस लेते लग जाए, सो डजंट मेक सेंस कि वर्क परमिट पहले अप्रूव कराना, आपका टाइम वेस्ट होगा और वो करेगा भी नहीं। अच्छा, फर्ज किया मैं एक क्वेश्चन, एक आदमी ने इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं भी उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, वो क्या एजुकेशन बैकग्राउंड भी पूछता है? सर देखो, अगर तो एक्सपीरियंस आपका, देखो एजुकेशन रेलिवेंस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है बट ये जरूरी भी नहीं है, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं खुद एक इंजीनियर लेकिन मैं RCAC भी हूँ, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड से मेरे अभी प्रोफेशन का कोई लेना देना नहीं है, बट ऑन द अदर साइड
अगर मैं इमीडिएट आया हूँ, मैं इमीडिएट मैंने बैकग्राउंड इंजीनियरिंग करी है, लेकिन मैं जॉब ले रहा हूँ अकाउंटेंसी की, वो मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर मैंने यही अपने एजुकेशन के बाद, एजुकेशन के रेलवे से एक्सपीरियंस नहीं लिया, किसी कोई भी ऑनलाइन चूज कर लिया, अकाउंटेंसी या वट एवर इंजीनियरिंग का, मैंने कोई इलेक्ट्रीशियन प्रोफेशन चूज कर लिया, या अपार्ट फ्रॉम जो मेरी एजुकेशन है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस चूज किया है, अगर मेरा एक्सपीरियंस मेरी एजुकेशन को ओवरकम कर रहा है, मेरा एक्सपीरियंस 2-3 साल हो चुका है, तो वो मेरी एजुकेशन को तवज्जो नहीं देगा। वो ऑब्वियसली कंसिडर करेगा कि इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस इनफ है, सो इट्स फाइन। नहीं, लेकिन वो नहीं होता कि इस कैटेगरी में किसी ने स्टडी करी है, 90% ऑफ पीपल उस लाइन में वर्क नहीं करते। अब जो बिजनेसमैन होते हैं, स्टडी तो कुछ भी करते, बैचलर ऑफ आर्ट्स करी होती है, लेकिन एक्सपीरियंस तो बिजनेस का होता है, सो उसपे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट ये इट हैज टू बी रेलिवेंट बेसिकली एक्सपीरियंस, और एटलीस्ट 2-3 ईयर्स जो भी कैनेडा गवर्नमेंट के जॉब बैंक की वेबसाइट पे है वो होना चाहिए। अगर मैं एचआर की जॉब की बात करूँ, एक पर्सन ने बीटेक करा है लेकिन जॉब एचआर की है, अगर उसका एचआर का 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑफिसर गिन लेगा उसे, अगर एचआर का एक्सपीरियंस 6 महीने का है तो ऑब्वियसली ऑफिसर रिफ्यूज ही करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन एक आ जाता है, मनी टॉक्स, तो बिल्कुल तुम RCIC हो एंड यू नो द मार्केट प्रैक्टिस, तो इसका आजकल क्या एक रेट चल रहा है कि LMIA और ये वर्क परमिट, इसके सारे प्रोसेस में पूरा कितना खर्चा हो जाएगा? As an RCIC, I'm authorized to apply for LMIA for employer, and I'm authorized to apply for a work permit from a client. Basically, let's say if you are example लेते हैं, अगर आप employer हैं, you are an employer, आपको कोई business है, आपको कोई person चाहिए, आप कहते हैं दीक्षांत जी मुझे person चाहिए, लेकिन वो इस time XYZ country में है, उसे कैसे hire करें? I can help you with proceeding with LMIA. ठीक है जी, मैं आपको LMIA approve करवा के दूंगा। अब वो client है, क्लाइंट का काम क्या है, जो भी आप क्लाइंट को LMIA प्रूफ करा के दे रहे हैं, जो भी आप वर्कर हायर कर रहे हैं, उसका काम है वर्क परमिट लगाना। अब वर्क परमिट वो हमारे से लगवाए या किसी और थर्ड कंसल्टेंट से लगाए, वो उसकी कॉल है, या खुद लगाए, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो वो बेसिकली है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा काम है वो हमारा काम है ही नहीं। हमारे पास कंसल्टेंट, हमारे पास एम्प्लॉयर जरूर आते हैं, बेसिकली कभी कम अभी हमारा ये में ये जो रिक्वायरमेंट है, हम पेंडम जरूर कर लेंगे कि अगर कोई होगा तो ऑब्वियसली इट्स योर ड्यूटी, इट्स नॉट अवर, इट्स एम्प्लॉयर्स ड्यूटी टू हायर अ पर्सन। और इस केस में व्हाट द एम्प्लॉयर कैन डू इज दे कैन हायर अ रिक्रूटमेंट पार्टनर एजेंसी, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं कनाडा में जिनके थ्रू वो पर्सन को हायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं मुझे एक HR पर्सन हायर करना है, अब आपने अपने एफर्ट्स मार लिए लेकिन आपको कोई नहीं मिला, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ एक LMIA अप्रूवल में और एक क्लाइंट के वर्क परमिट अप्रूवल में। बीच वाला काम जो है वो मेरा नहीं है, बीच वाला जो काम आता है वो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का आता है। सो कोई भी अगर एम्प्लॉयर है वो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाकर अपनी रिक्वायरमेंट बता सकता है, क्योंकि उनके पास थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ करिकुलम रिज्यूम में खड़े होते हैं ऑलरेडी, और उनके पास क्लाइंट्स आते रहते हैं क्योंकि उनका काम ही होता है इंटरनेशनल हायर करना। So they can interview on behalf of you and they can tell you आपकी एक मीटिंग करवा देंगे जो भी होगा, and if you find a candidate good you can proceed। अच्छा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, मैं तुम्हें काट रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे पास भी ऐसी लिंक होता है, अगर कोई तुम्हें अप्रोच करे तो तुम कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकते हो? नहीं, हम बेसिकली देखो बेसिकली सिर्फ बता सकते हैं कि यू आर हायरिंग, लेट्स से आपने मुझे बताया विक्रांत जी आई एम लुकिंग फॉर अ बुककीपर, इफ यू फाइंड एनी कैंडिडेट लेट मी नो। सो लेट्स से आई हैव अ एप्लीकेंट जो विजिटर वीजा पे आया है मेरे पास, आया सर मैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं मुझे जॉब नहीं दे सकता, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। आई एम जनरली इन जनरल, वैसे आई एम नॉट ऑथराइज्ड, इन जनरल सर मैं इतना बोल सकता हूँ, आई गेस मिस्टर खालिद वाज हायरिंग, आई एम नॉट श्योर, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, आई कैन गिव यू हिज नंबर, यू कैन डील विद हिम, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन आगे जो LMIA का प्रोसेस है और ये वर्क परमिट का प्रोसेस है उसमें तुम हेल्प करते हो? 100%। कोई भी RCIC जो होता है वो उसके अंदर हेल्प करता है। अच्छा, यही अब केस सिनारियो जो है, हम अगर उसमें मैच करते हैं, कोई इंडिया में या पाकिस्तान में बैठा हो तो सेम यही, वहां से आप वीजा तो वहां से स्टैम्प होना है, तो वो कौन सा होता है, वो विजिट वीजा लगता है जब वहां से निकलता है दिल्ली से? अगर LMIA वीजा है तो इट विल बी अ वर्क परमिट वीजा, वो विजिट वीजा नहीं होगा, वो वर्क परमिट डायरेक्टली ही होगा। अच्छा, वहीं से ही शुरू होगा वो डायरेक्टली? अच्छा, दैट्स अ वेरी वेरी क्लियर कट आंसर। तो उसको कोई विजिट वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, इफ फाइंड अ जॉब कहीं भी किसी भी कंट्री से किसी को कनाडा में जॉब ऑफर होती है, जैसे अमेज़न हायर करता है, आप देखेंगे अमेज़न
हायर्स काफी पर्सन को हायर करता है ग्लोबली इंटरनेशनली, जरूरी नहीं कनाडा से हायर कर रहा है वो, अमेरिका से भी हायर कर रहा है, इंडिया से भी हायर कर रहा है, किसी भी कंट्री से हायर करेगा। सो जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वर्कर इंटरनेशनल वर्कर के लिए LMA अप्रूव होनी चाहिए तो वो होनी ही चाहिए। सो बेसिकली LMA अप्रूव होगी तो ही वो चाहे जिस मर्जी कंट्री से है वो डायरेक्टली वर्क परमिट लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर वो विजिट पे है तो वो फ्लैग पोलिंग के थ्रू लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, जो टेम्पररी पॉलिसी है जो पहले 28 फरवरी 2023 तक थी लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2025 तक है। अगर कोई कह रहा है इनसाइड टूरिज्म पे है उसे जॉब ऑफर होती है वो अपना वर्क परमिट ऑनलाइन भी लगा सकता है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि यह कि हाउ टफ इट इज, एक तो ये है ना फ्लैग पोस्ट है, आप बफलो पे चले गए, आप विंडसर विंडसर पे चले गए, आपने यहां से करा के आप आ गए न्यूयॉर्क की तरफ या मिशिगन की तरफ। अच्छा अगर एक आदमी का इंटरव्यू दिल्ली में या इस्लामाबाद में हो रहा है तो वो वीजा ऑफिसर टफ होता है या यहाँ का ऑफिसर टफ होगा? वहां पे आपको आपको वन टू वन तो वो नहीं, वहां पे इंटरव्यू नहीं होती, वहां पे 99% केसेस में देयर इज नो इंटरव्यू, इट्स जस्ट एन ऑनलाइन थिंग। आपको अप्लाई करना है विद व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स यू हैव रिलेवेंट टू योर जॉब, जो आपने जो डॉक्यूमेंट शो करके आपने जॉब बेसिकली आपको जॉब ऑफर हुई है, लेट्स से आपने एक कैंडिडेट रिज्यूमे भेजा, ऑब्वियसली आप सेक्शन कैटेगरी में उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, उसका बैकग्राउंड चेक देखेंगे, जो भी आपने शो किया है आपको उसी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे वीजा लगाना है, उसे उसकी कोई इंटरव्यू नहीं होगी उसके, उसको ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है कि जो उसका टेम्पररी वर्क परमिट है वो टेम्पररी है या उसके लिए वो एलिजिबल है, जो उसकी बैकग्राउंड है प्लस प्लस जो उसे फैमिली टाइज है कि क्योंकि वो टेम्पररी वीजा होगा, फैमिली टाइज दिखाने हैं, फाइनेंशियल दिखाने हैं अपने को कि हम वापस आएंगे, हमारे पास इतना फंड्स है, हम सिर्फ हमें एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर हुई है, जिसके बाद बेसिकली यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई फॉर PR, बट सिंस इट्स अ टेम्पररी रेजिडेंट वीजा, जो मर्जी कह लो वर्क परमिट जो है वो टेम्पररी है, आप परमानेंट तो नहीं हो रहे अभी, सो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं बैक होम टाइज ये दिखाने ही पड़ते हैं, फाइनेंशियली दिखाने ही पड़ता है कि यस यू विल कम बैक, आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं। एक सिंपल सी सिचुएशन, सिंपल सी कैटेगरी है सर, सिंपल सी स्टोरी है, अगर जैसे आपको कहीं XYZ कंट्री में बैठे हुए कहीं US में जॉब ऑफर हुई और जॉब करने जा रहे हैं, आपको टेम्पररी जॉब ऑफर हुई है, जब तक आपकी जॉब है आपके पास वर्क परमिट है, सिंपल सिंपल स्टोरी है। PR एक अलग सिनेरियो है, PR एक पॉइंट सिस्टम चलता है, उसके बाद अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, कनाडा गवर्नमेंट को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वर्क परमिट की बात करूं, अच्छा टेम्पररी वीजा वो इसका इतना ही मीनिंग है, आपको जॉब मिली है कनाडा, आप कनाडा में जॉब करने जा रहे हैं, आप घर से अपनी कंट्री में जॉब करने जा रहे हैं आधा घंटे के डिस्टेंस पे या आप 20 घंटे दूर कनाडा में जॉब करने जा रहे हैं वो एक अलग चीज। अच्छा ये थोड़ा सा फर्दर क्वेश्चन आ गया, अब इसके बाद जो माफ करना PR के लिए अप्लाई करेगा तो उसको यहाँ का जो एक्सपीरियंस 2 साल का होगा उसके कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं? सर बेसिकली अगर बेसिकली मैं बात करूँ LMA के पॉइंट्स की बात करूँ वो 50 पॉइंट्स ग्रांट होते हैं, वर्क परमिट की बात करूँ अगर वो ग्रेजुएट है तो 1 ईयर के जो कैनेडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स आएंगे वो आई गेस 13 होंगे, आई एम नॉट श्योर, आई माइट बी रॉन्ग, एंड अगर वो बेस्ट अंडरग्रेड कैटेगरी का है तो 25 पॉइंट्स इशू होगा। नहीं अगर ग्रेजुएट ग्रेजुएट होगा तो कितने 30 पॉइंट्स होंगे? 13 let me just verify this for you just a second. Take your time. Abhishek. मैं भी इस दौरान में कॉफी पी लेता हूँ। फर्स्ट ईयर के अगर पॉइंट्स की बात करें तो 35 पॉइंट्स इशू होंगे। 35 पॉइंट्स। यस। अच्छा ये वो पॉइंट्स है जो 67 पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर ये पॉइंट्स होते हैं या वो जो एग्रीगेट होते हैं 500 CRS स्कोर एक्सप्रेस एंट्री वाला है। एक्सप्रेस एंट्री के जो वो स्कोर जो है। जी। ठीक। और ये सिंपल जो 67 पॉइंट्स होते हैं उसमें कितने काउंट होते हैं ये? सर उसपे बेसिकली एलिजिबिलिटी के लिए हो रहा है 67 कैलकुलेटर, अगर वो कनाडा में है और वो वर्क पे है तो उसके 67 बन जाएंगे। अच्छा नॉट बेसिकली प्रॉब्लम वो बन जाता है।
अच्छा, LMIA के बाद ये वर्ब इसके PR के कितने की चांसेस होते हैं, 100%, 90%, या कितनी क्या हर्डल आ सकती है? ऐसी कोई भी बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि 100% चांस है या 0% चांस है। यस, देयर आर पर्सन जिनकी 0% चांस भी मैं कहूंगा, अपफ्रंट कहूंगा आपको। उसका रीजन क्या है सर, अगर मैं बेसिकली ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लॉट ऑफ फैक्टर्स, जिसको हम बेसिकली एक शॉर्ट टॉक में एक्सप्लेन या थोरली नहीं बता सकते। अगर मैं सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री की बात करूँ, तो अगर मैं एज फैक्टर की बात करूँ, जो मैक्सिमम पॉइंट्स आते हैं वो 29 एज पे आते हैं, 19 to 29 एज में जो पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है उसको मैक्सिमम पॉइंट्स ग्रांट होते हैं 1-10। और ऑन द अदर हैंड जब उसकी एज 45 हो जाती है, 45 प्लस पर्सन को जो पॉइंट्स होते हैं जीरो हो जाते हैं, उसको 0 पॉइंट ग्रांट होते हैं। 45 और 45 प्लस जो एज पॉइंट्स कैलकुलेशन में आएंगे वो 0 आएंगे। सो इट मीन आपके 110 पॉइंट्स जा चुके हैं, 110 पॉइंट आपने लूज कर दिए। बाय हुक और क्रुक आप जो से मर्जी कर ले, आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं उठेगी। ये सिंपल सी स्टोरी है। पीएनपी वगैरह में, हाँ पीएनपी की बात करते हैं सर, पीएनपी भी बहुत कंडीशंस होती हैं। ओंटारियो पीएनपी अलग है, सस्कैचवन पीएनपी अलग है, बीसी पीएनपी अलग है। अब पीएनपी में भी बहुत सारी कंडीशंस है, कुछ कुछ पीएनपी हैं, कुछ जैसे ट्रक ड्राइवर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है जी, वो कर सकते हैं। फिर आप हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए पीएनपीज बहुत चलती हैं। सो ऐसा नहीं है, पीएनपीज में भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर सर आता ही आता है। सो पीएनपी का पर्पस क्या होता है, पीएनपी का पर्पस क्या होता है, बेसिकली आपको 600 पॉइंट्स ग्रांट करना। अब ये जरूरी नहीं होता कि उसके 45 डेज के बाद उसके 6-7 पॉइंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। देयर आर हाई चांसेस कि उसके 6-7 पॉइंट बनेंगे नहीं, तो उसके पास जो रास्ता है वो पीएनपी का ही है। अगर उसकी कैटेगरी में वो पीएनपी वैलिड हो रही है तो ऑब्वियसली होगा, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है कि उसकी पीआर हो पाए। ये लॉट ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अगेन एक्सपीरियंस, कैटेगरी, एजुकेशन, हर चीज पे ये डिपेंड है। इसमें कोई भी एक परफेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। हो सकता है कोई पर्सन अगर ओंटारियो में है तो उसकी पीआर बहुत मुश्किल हो रही है, ओएमपी इज रियली टफ, ऑब्वियसली देयर आर वेरी लेस एम्प्लॉयर्स जो ओएमपी की आपको ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। बट यस, ऑन द अदर हैंड आप सस्कैचवन की बात करो, देयर आर हाई चांसेस क्योंकि वहां पे टियर 3, 4, 5 की भी आपकी सस्कैचवन पीएनपी में हो जाती है, ओंटारियो में नहीं होती। अच्छा, एक क्वेश्चन ये, LMIA जो होता है या वर्क परमिट जो होता है, ये 2 साल का होता है या 3 साल का होता है? जनरली इट्स फॉर 2 इयर्स, बट नाउअडेज देयर आल्सो स्टार्टेड, दे हैव आल्सो स्टार्टेड गिविंग फॉर 3 इयर्स। अच्छा, अगर 3 साल का भी खत्म हो गया और उसका पीआर नहीं हुआ तो क्या ये रिन्यूएबल होता है? नहीं सर, ये जो रिन्यूएबल है अगेन विद न्यू LMIA, ये डायरेक्टली रिन्यूएबल नहीं है, डायरेक्टली एक्सटेंड नहीं होगा। इफ द एम्प्लॉयर गिव्स यू LMIA अगेन, आपको नई LMIA दोबारा ऑफर होगी तो ये आप एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज देयर नो वे। अच्छा चले, मेरा ख्याल है कि काफी बातें हो गई, इसको डाइजेस्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। तो व्यूअर्स, ये डिक्शन है मेरे, RCIC हैं ये, मेरे क्लास फेलो भी थे, हम लोग बड़ी हैं एक किस्म के, इनकी मैं 100% गारंटी भी दे सकता हूँ। इनके तकरीबन बेतहाशा मैं मुंह से नहीं, यहाँ पर ना तो यूट्यूब पे कह सकता हूँ कितने सक्सेसफुल रेट्स हैं, लेकिन बहुत हाई है माशाल्लाह। और होता यही है कि अगर आप किसी भी कंसल्टेंट को चेक करते हैं तो उसका पिछला रिकॉर्ड देखें कि उसके कितने केसेस हुए हैं। तो चलें व्यूअर, मैं दीक्षांत को इजाजत दूंगा।